अजमेर शहर के अलग अलग मुख्यालयों व विभागों में गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तमाम स्थानों पर झंडारोहण कर गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी गई। देखिए अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण की तस्वीरें, जहां सभी अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। हाँ, 71st गणतंत्र दिवस को आज ग्रुप सेंटर 1 अजमेर में धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि हमारी परंपरा है, स्टेशन के सभी अधिकारी यहाँ एकत्रित हुए, क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई तथा हमारे वो वीर जिन्होंने कि पिछले एक वर्ष में गैलेंट काम किया, जिन्हें गैलेंट्री मेडल मिले हैं, जिन्होंने फोर्स के नाम को ऊंचा किया है, उनके नाम पढ़ के बताए गए ताकि हमारे जवान प्रेरणा ले सकें उनसे और अच्छा काम करें, ताकि ये भी इनका नाम भी उस मेडल लिस्ट में आए और अच्छा काम करके फोर्स को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जी सर। सबसे पहले तो मैं समस्त अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। JC1 CRPF अजमेर में हर वर्ष बांध की इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। शहीदों के सम्मान में पुष्प अर्पण किए गए, उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है। शाम में 5-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसमें अजमेर की 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें पहली बार हम महिलाओं का या बच्चियों का टूर्नामेंट भी करा रहे हैं और इस तरह से गतिविधियाँ चलेगी। केंद्रीय विद्यालय में गतिविधियाँ हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कैंप के अंदर है उसमें गतिविधियाँ हैं और हमारा जो मोंटेसरी स्कूल CRPF है उसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम को बड़ा खाना होगा, इस प्रकार की गतिविधियाँ आज करेंगे। मैं समस्त अजमेर वासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।